हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग आई होप आप लोग से अच्छे हो गाइज मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में गाइज आज का टॉपिक क्या रहेगा उससे पहले बताने से पहले गाइज जाके जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जिम से और ऑफिस से रिलेटेड वैसे तो जिम से अभी रिलेटेड आ नहीं पा रहा ब्लॉग तो सॉरी उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा मतलब मेरा शेड्यूल को ना अनशेड्यूल हो गया है सेट नहीं हो पा रहा सही से इसलिए नहीं आ पा रहा गाइस बाकी अगर कुछ जानना है तो आपको प्लीज़ मैसेज कर सकते हो मुझे ड्रॉप तो मैं रिप्लाई कर दूंगी और गाइस मेरा अभी अकाउंट अभी न्यू बना है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब से सॉरी फॉलो करो और इंस्टा को फॉलो करो यूट्यूब पर तो करते वो गाइस तो आप लोग इतना सपोर्ट इतना प्यार दे रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और आज सात तारीख है तो आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको हार्दिक शुभकामनाएं गाइज़ बट मैं तो अभी कुछ फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और देखती हूँ पूजा वगैरह का निवरना नहीं हो पा रहा है <laughs> बट कोई नहीं दिल से कर लेते हैं वही बहुत है तो फिर जो लोग गाइज़ नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग क्या रहेगा वैसे तो से रिलेटेड ही है बट आप लोग पूछ रहे थे कि मैम लोकेशन वाइज बता दो ऑन बर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या लखनऊ में कानपुर में नागपुर में तो सॉरी कानपुर में तो नहीं है नागपुर में तो चलिए लोकेशन वाइज मैं आप लोग को आज अपडेट करती तो बने रहना ब्लॉग में बहुत ही अच्छा यूजफुल है और प्लीज अगर आप देख रहे हो तो लाइक भी करते रहना बाकी कुछ भी जो भी आप लोग कमेंट्स है उसका इन्फॉर्मेशन भी करते हैं फाइनली मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रही थी अनसेट हो गया था तो स्टार्ट करते हैं आज मैं सोची वैसे बैठ के नहीं बनाते ब्लॉग थोड़ा बोरिंग हो जाता है बट थोड़ा सा चेंजेस करके बना रही हूँ तो तो गाइज मैं कह रही थी लोकेशन वाइज क्या लोकेशन वाइज हो रहा नहीं हो रहा देखो ऑनबोर्डिंग क्या है ना ऑन वर्डिंग प्रोसेस अगर नोएडा लोकेशन पे है अपडेटेड हो गया तो वो सारे लोकेशन पे अपडेटेड है अगर नोएडा लोकेशन पे होल्ड है तो सारे लोकेशन पे ही होल्ड है बट अभी कुछ स्टार्ट हुई है प्रोसेस अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है तो आप लोग वेट कीजिए आप लोग को जिनका भी जितना पेंडिंग पड़ा है वो हो जाएगा जल्द से जल्द क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया दो से तीन मंथ मुझे लगता है दो से तीन मंथ हो गया या फ्रीज होगा क्योंकि इनका टारगेट रहता है सिक्स मंथ हायरिंग करना सिक्स मंथ फ्रीज तो ये दो मंथ ऑलरेडी हो चुका है तो ज़्यादा दिन फ्रीज नहीं रखेंगे ताकि इनके पास अभी प्रोजेक्ट आएगी सेप्टेंबर इन्होंने बोला है सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर में तो फाइनली हो ही जाएगा बट जिनका ये कॉलेज जाके प्लेसमेंट ले रहे हैं या फिर जिनका वो लोग कॉलेज से प्लेसमेंट उठा रहे हैं बच्चों को तो उनका मोस्टली uh, का ज्वाइनिंग डेट आ ही गया है सेप्टेंबर अक्टूबर में है तो बट सबकी प्रोसेस डिले इवन आप जीटी रोल ले लो और टेक भी ले लो जो ऑलरेडी मतलब हायर्ड हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अगेन एंड अगेन सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मतलब इन लोग के लिए सबको वेट करना पड़ा है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को करना पड़ा है मोस्टली लोग वेट कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आएगा बाकी नागपुर लोकेशन का लखनऊ लोकेशन का ले लो तो सेम कंडीशन वहां का भी है वहां भी सेम हायरिंग हो रही है जो यहाँ हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस है यहाँ पे नहीं है सो ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ये माइंड से निकाल दो कि लोकेशन वाइज हायरिंग स्टार्ट हो गई है या फिर लखनऊ में हो रहा है नागपुर में हो रहा है बट यहाँ नहीं हो रहा है नहीं सेम है सब जगह सेम कंडीशन है अगर वन में कुछ भी अपडेटेड होता है तो वो सारे लोकेशन एस में अपडेटेड हो जाती है कई और वेज़ आप लोग क्यों एस ही चूज़ कर रहे हो अदर कंपनी चूज करो ना बहुत सारी कंपनी है बहुत मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगी एज अ एक्सपीरियंस अगर आप लोग नॉर्मल मतलब जो छोटी कंपनी है वहां से स्टार्ट करते हो ना तो आपको हाई पैकेज मिलेगा अगर आप इन कंपेरिजन विथ बड़ी कंपनी तो प्लीज़ आप लोग जाके मतलब देखो अपनी अपनी है बट मैं ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ अगर आप लोग को फॉलो करना है तो डेट्स ओके बाकी बहुत लोग कहते हैं कि एक्ससीएल में जॉब लगवा दो एक्स में अरे एक्स में अच्छी प्रोजेक्ट बहुत रेयर है बहुत रेयर बहुत कम है इसलिए मैं नहीं आप लोगों को कहती हूँ प्लस जो भी अपडेटेड होता है वो लेंड पे ऑल रेडी हो जाती है क्योंकि अभी एक मेल आया था मेरे पास मतलब किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे भेजा था उन्होंने वो कह रहे थे कि मैम अपलोड हुआ है कि हायरिंग स्टार्ट हो गई है और इस इस फील्ड इस इस लोकेशन के लिए तो क्या ये सच है देखो वो चीज़ अगर उन्होंने अपडेट किया है तो मीन्स गुड न्यूज़ है कि हो रहा है तो आप लोग ज़्यादा वो मत टेंशन लो मत तो जो जहाँ भी जिस लोकेशन पे है सबका स्टार्ट हो जाएगा तो रही बात आपको एस में जॉब करके कैसा है लोकेशन वाइज या फिर जॉब हम करते हैं तो कैसा हमें मतलब सही गाइडेंस के थ्रू प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना है तो देखो मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ कि ACL की प्रोजेक्ट कैसी है क्या है कहाँ है, कहा है तो अगर आपको खुद सेल्फ डिपेंड या फिर सेल्फ आपको भरोसा है आप अच्छा करो और लाइफ में आगे बढ़ो बहुत मतलब प्रोजेक्ट ठीक है कोई खास तो नहीं है बाकी गाइस गाइस और आप लोग ये पूछ रहे थे कि कैब जो है वो पेड होता है या अनपेड देखो कैब हो ना कैब जो है ना वो पेड नहीं है अनपेड है क्योंकि आपकी सैलरी में से नहीं डिडक्ट होते मोस्टली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में कैब मिलती है और वो प्रोजेक्ट से डिडक्ट होते हैं ना कि सैलरी से तो ये चीज़ आप माइंड से निकाल दो मैं कैब का डेली अपडेट दे देती हूँ और आप लोग को जानना था तो सर्विस ना के बारे में मैंने अपडेट किया था ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कब डेट आती है देखो वो उस पर डिपेंड करता है आपका जो लास्ट टाइम में आप जो एग्जाम उसमें लास्ट में एग्जाम एक एक भी देना होता है वो आपकी क्वालिफिकेशन जैसी होगी वैसे आपको अपडेट मतलब ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी मैं आपको बता रही हूँ ना अभी आप एक मंथ वेट कर लो एक मंथ बाद जो हायरिंग होगी बल्क में एस में वो आप सोच नहीं सकते हो मतलब तो जिनको कुछ भी नहीं आता ना वो भी हायर हो जाएंगे एक मंथ बाद बस वेट करो वन मंथ फॉर वन मंथ मंथ बाद बहुत हायरिंग स्टार्ट होने वाली है और हाँ, आप लोग को अगर एस में जॉब करना है जैसे हायरिंग स्टार्ट होगी मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली लिंक शेयर करूंगी और गाइज मुझे आप लोग मैसेज कर रहे थे जॉब तो आपको बता रही हूँ जॉब नाउ ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सर्च करोगे गूगल पे आपको वहाँ से पता चल जाएगा मतलब कौन कौन सी वैकेंसी आप किसी में अप्लाई कर सकते हो देखो सैमसंग एमेजन फ्लिपकार्ड और बैंक वगैरह ये सब में मतलब डेली वैकेंसी निकलती है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो उसमें क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होगा सारा अपडेटेड रहता है इसलिए मैं आप लोग को ये लिंक बता रही हूँ क्योंकि देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं एक, एक चीज़ें डिस्क्राइब करूँ तो इसलिए मैं ब्लॉग में सोचती थी मैं बता दूँ आप लोग को ताकि आप वहाँ से अगर जॉब आप लोग को करना है किसी बहुत लोग कर किसी भी कंपनी में करना है मैम तो आप बता दो जो किसी भी कंपनी में करना है तो वो मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ बहुत सारी कंपनी है बट अच्छी कंपनी में करना ताकि आपको कल जो एक्सपीरियंस हो वो अच्छी काउंट हो क्योंकि सब लोग उतने अवेलेबल नहीं होते हैं वाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ माइंड में रख के आप करना बाकी सैमसंग में कर सकते हो अच्छी है टी सी एस अच्छी है बीप्रो अच्छी है इन, इंफोसिस तो थोड़ा तो तो टफ है बहुत कम उसमें कोडिंग ज़्यादा है तो वाइज जाओ फटाफट लिंक सर्च करो और जाके जॉब अप्लाई करो बाकी एस से जो भी ऑनबोर्डिंग चल रहा है वो तो मैं सारा अपडेट कर ही देती हूँ आप लोग को कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना और अगर कुछ जानना हो कुछ इंफॉमेशन बाकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा अगर मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ और अपलोड करती हूँ तो उसमें आप लोग आपस में बात करते हो इंटरकनेक्टेड होते ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैं अगर किसी का मतलब बता रही हूँ तो आप लोग इतने इंटरकनेक्ट होते हो एक दूसरे से आप लोग को आपस में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके लिए मुझे थैंक यू करना चाहिए और मुझे सपोर्ट करो ताकि आप लोग जैसे आप लोग की हेल्प हो रही वैसे मेरी हेल्प भी हो जाए थोड़ी एक चीज़ बताओ आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जनरली जिम में ऑफिस में मेरा माइक चल रहा है नहीं चल रहा है हाँ चल रहा है जिम में ऑफिस में कहीं भी देखोगे कि बॉयज़ जल्दी इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं इंटरकनेक्टेड मीन फ्रेंड हो जाते हैं बॉयज बॉयज बट एक गर्ल्स आ रही है जिम और गर्ल्स गर्ल्स नहीं फ्रेंड होते जल्दी मतलब लड़की लड़की भी जल्दी भी फ्रेंड नहीं होते हाए हेलो नहीं करते उनमें एटीट्यूड रहता है ये फैक्ट है ही नहीं है आप मुझे कमेंट्स करना है गाइज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे कमेंट्स भी किया करो ताकि मुझे लगे कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और मेरा ब्लॉग कैसा रहता है तो प्लीज ये बताना और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो तो ये भी प्लीज बताना गाइज प्लीज 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 तो मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा और मुझे कुछ चेंजेस करना होगा तो वो भी मैं चेंज करूंगी क्योंकि देखो अभी क्या ना मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा ब्लॉग को या फिर आ, क्या कहते हैं इंस्टा पे वीडियोस कहीं भी मैं बस ऐसे डाल देती हूँ टाइम निकाल निकाल के बट एक टाइम आएगा जो मैं प्रॉपर टाइम दूंगी प्रॉपर और वो टाइम मेरा बहुत ही अच्छा आने वाला है गाइज़ और आप लोग सबके लिए गुड न्यूज़ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो ताकि मुझे और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले तो यही था आज का ब्लॉग आज सैटरडे था अभी मैं वर्कआउट करके आई हूँ लेग का काफ़ी अच्छा लगा तो गाइज़ आप लोग को भी जिम करनी चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो जाओ फटाफट वर्कआउट करो गाइज बाकी तो कुछ नहीं मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली में और गाइज बी सेफ बी स्ट्रॉन्ग फॉर गर्ल्स बॉयज़ बोथ सब इक्वल हैं सब एक है बट थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है सबकी तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं गए यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय गुड नाइट टेक केयर जय माता दी